हाँ भाई आ गए। तो देखो अभी तुम्हें आदि पुरुष और प्रवास का जितना मजाक उड़ाना है तुम उड़ा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आदि पुरुष के बाद प्रवास की जो मूवीज आने वाली हैं उन्हें देखने के बाद भाई अगर तुम ये चीज कहने पे मजबूर ना हुए कि भाई असली मेगा स्टार तो प्रवास ही है, तो भाई मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अच्छा। और भाई हाँ, इस मजाक वाली बात में भाई एक और चीज बता दूं कि आदि पुरुष मूवी चाहे जैसे भी निकले लेकिन भाई कमाई करने के मामले में ये मूवी पीछे नहीं रहेगी, ये मूवी बड़े बड़े रिकॉर्ड सेट करेगी, ये मैं लिख के देता हूँ क्योंकि भाई इस मूवी से सारे इंडियंस के इमोशंस जुड़े हुए हैं और भाई इसीलिए इसको बच्चे से लेकर बूढ़ा सब लोग इस मूवी को देखने जरूर जाए, और उनमें से छोटे और जो बुजुर्ग लेवल के आदमी है उनको भाई VFX से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें सिर्फ कहानी देखनी है, और जो बीच की यंग जनरेशन है वही VFX के बारे में बात करेगी, लेकिन इन सब चीजों के बीच में भाई कमाई इस मूवी की इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि चाहे तुम कुछ भी कह लो मूवी तो अपना रिकॉर्ड सेट करके ही रहेगी। बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट पे भाई, क्योंकि ये तो हमारा जिस एक्टर के बारे में हम बात करते हैं उसके बारे में छोटा सा जो उसके चल रहा होता है वो छोटा सा इंट्रो देते ही है। तो भाई आते हैं मेन पॉइंट पे, प्रभास की जो प्रोजेक्ट के आ रही है उसको रिलीज होने में भाई अभी 7 महीने बाकी है, यानी कि ये 12 या 14 जनवरी को रिलीज होगी 2024 में, लेकिन भाई इसको लेकर एक अपडेट है, इनको तो आप जानते होंगे ये जो है बाहुबली में भाई विलेन बने थे भल्लाल देव, समझ रहे हो ना। तो भाई इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई ये मूवी जो है ना, जो RR है, बाहुबली है, या जितनी भी बड़ी बड़ी साउथ से या जो बॉलीवुड से मूवी निकली है भाई सबके रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है, ये उन्होंने कहा था। और भाई कोई आदमी ऐसे ही नहीं कह देता, क्योंकि भाई पहले तो उसमें अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, और भाई प्रभास भी है, और भाई अगर इनकी फीस की बात करें तो भाई 150 करोड़ रुपये तो भाई कमल हसन जी ले रहे हैं, और भाई वो इसके विलन है जो इस मूवी के मेन विलन है, मतलब मेन का नहीं पता लेकिन इसमें जो विलन है वो है कमल हसन, और भाई वो 150 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं भाई सिर्फ विलन होने का। सोचो हीरो कितना ज़्यादा चार्ज करेगा, और इस मूवी का बजट मैं बता रहा हूँ भाई कम से कम 800 करोड़ से भी ज़्यादा का रहेगा, क्योंकि भाई 700 करोड़ तो भाई प्रवास की जो अभी रिसेंटली मूवी आ रही है भाई आदि पुरुष उसका होने वाला है, तो भाई इसका तो कम से कम 800 करोड़ रहेगा, क्योंकि 300 करोड़ तो भाई सिर्फ दो ही एक्टर ले लेते हैं, प्रभास और भाई अपने कमल हसन साहब। तो भाई अब समझ सकते हो मूवी का बजट कितना हाई जाएगा भाई। और भाई रही इसकी रिकॉर्ड ब्रेक या इसकी कमाई की, तो भाई मैं बता रहा हूँ भाई साउथ वाले जब कोई मूवी लाते तो ऐसे ही नहीं लाते, वो भी प्रभास को लेकर आएंगे, तो कोई छोटी मोटी ऐसे ही हल्की मूवी नहीं लाएंगे, बहुत ही तगड़ी मूवी लाएंगे। और ये इन्होंने भाई जो भल्लाल देव है हमारे, इन्होंने इंटरव्यू में कहा था, आप इसको सुनिए जरा सा। Project K, which Nagashwin, a director from Telugu, is directing with Prabhas, Mr. Bachchan, and Deepika Padukone. Now, that's a film that we're really looking forward to in Telugu, because that's really, I think, going to break boundaries that both Bahubali and RRR haven't done. तो भाई सीधा सीधा इनका कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट के भाई नए नए रिकॉर्ड सेट करेगी, और भाई ये जो रिकॉर्ड बनाएगी उनको तोड़ना भाई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के भाई बेशक अभी बहुत टाइम है, बेशक इसके बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन भाई ये मूवी बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। सो भाई ये एक छोटा सा अपडेट था प्रोजेक्ट के को लेकर, आपको किस मूवी पर अपडेट चाहिए कमेंट करके बताओ, और या भी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा एंड टेक केयर।